हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्लास टेंथ का चैप्टर पॉलिनोमियल में एक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यदि आप लोगों को पॉलिनोमियल क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग पॉलिनोमियल क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखेंगे तो कहेंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल, यानी कि अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ़ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है अगर वह इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि अगर यदि कोई भी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज भी होंगे। यदि कोई भी पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोज होंगे। हम लेट कर ले रहे हैं कि इसके दोनों जीरोज पहले वाले जीरोज को अल्फ़ा मान ले रहे हैं और दूसरे वाले जीरोज को बीटा मान रहे हैं। तो यदि हमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। कोफिशिएंट का मतलब एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स का कोफिशिएंट बी है और यह होता है कांस्टेंट टर्म। तो हम सपोज किए हैं इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फ़ा और बीटा है। तो यदि हम इन दोनों जीरोज अल्फ़ा और बीटा का सम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, या बी होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यक्स, यक्स का जो कोफिशिएंट है उसी को बी बोलते हैं, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, यानी कि यक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं ए। तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए को लिखा सकता है, माइनस तो रहेगा ही कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। तो यदि हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम फाइंड करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस पी अपॉन ए इज इक्वल टू, बी होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ पे माइनस पी अपॉन ए लिखे हैं और इसी को लिखे हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यह बताया गया कि यह बी होता क्या है, तो जो बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और जो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी है। इसी तरीके से यदि हम इसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फ़ा और बीटा माने हैं, यदि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू होता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और अपॉन ए क्या होता है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही हमको रिलेशन देखना था कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम बताएं कि ऐसा पॉलिनोमियल
जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया गया हो। इस तरीके के पॉलिनामियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल बोलते हैं। और यदि इसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इन जीरोज का सम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए होगा। बी क्या होता है? कॉफिशियंट ऑफ एक्स होता है। ए क्या होता है? कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, और दोनों का प्रोडक्ट निकाले हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। सी क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म। और ए क्या होता है? कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब यदि हमें क्वेश्चन में यदि दिया रहे कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल के जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा हों तो हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल को फाइंड करना होगा। तो यदि किसी पॉलिनामियल क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल के जीरोज अल्फ़ा और बीटा दिए गए हों और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल को फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल इज अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यह फार्मूला कैसे आया है? यहाँ से आता है। इससे हमको यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल फाइंड करना है जिसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिखते हैं यक्स माइनस अल्फ़ा और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस बीटा। इसी को सॉल्व करते हैं तो यह ऊपर वाला फार्मूला आता है। ये सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे आता है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और यक्स का मल्टीप्लाई जब यहाँ हो जाएगा तो होगा माइनस बीटा यक्स। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा यक्स, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। इन दोनों में यक्स माइनस यक्स कॉमन दिख रहा है तो इसको लिख दिए हैं यक्स स्क्वायर माइनस यक्स कॉमन लिख दिए हैं। तो यहाँ बचा बीटा और यहाँ बचेगा प्लस अल्फ़ा, और प्लस में अल्फ़ा बीटा यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देते हैं तो इसको लिख देंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यक्स को उधर लिख दिए हैं प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यही फार्मूला आया। तो यदि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल को फाइंड करना है यदि उसका जीरोज अल्फ़ा और बीटा दिए गए हों तो इस फार्मूले का यूज करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इस पर बेस हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, इस फार्मूले पर बेस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बेस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाता है।